नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज की मुख्य समाचार रैपिड हेडलाइंस। चुनाव के बाद हिंसा रोकने के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों के जवानों ने किया रूट मार्च। चुनाव के बाद हिंसा को रोकने और शांति बनाए रखने के लिए जलपाईगुड़ी शहर में जलपाईगुड़ी कोतवाली पुलिस और केंद्रीय बलों के जवानों ने रूट मार्च किया। रविवार की रात भी जलपाईगुड़ी शहर के थाना मोड़, डीबीसी रोड, कदमतला, पेंगुटाड़ी, दिसारी मोड़ से सटे इलाके समेत नगर पालिका के विभिन्न इलाकों में पुलिस के साथ केंद्रीय बलों ने संयुक्त रूप से गश्त की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस रूट मार्च का मकसद मतदान के बाद भी किसी तरह का शांति को रोकना और शांति स्थापित करना है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से लगातार चुनाव के बाद हिंसा की खबरें आ रही है। जलपाईगुड़ी में ऐसी किसी भी तरह की घटना न हो इसीलिए रूट मार्च किया जा रहा है। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा जारी, पीट पीट कर कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या, आरोप है तृणमूल पर। लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद राज्य भर में हिंसा जारी है। इस बार चुनाव बाद इस हिंसा का शिकार एक कांग्रेस कार्यकर्ता हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ता की पीट पीट कर हत्या करने का आरोप सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर लगा है। घटना बीती रात मालदा मानिकचक थाना क्षेत्र के गोपालपुर ग्राम पंचायत के जेसरा टोला इलाके में घटी है। मालूम हो कि मृतक कांग्रेस कार्यकर्ता का नाम अकमल शेख है। उनकी हत्या का आरोप संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया समेत कई तृणमूल कार्यकर्ताओं पर लगाया गया है। मृतक कांग्रेस कार्यकर्ता के परिजनों के मुताबिक नतीजे घोषित होने के बाद से ही संबंधित पंचायत के मुखिया और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा तरह तरह से धमकी दी जा रही है। तभी कांग्रेस कार्यकर्ता को अकेला पाकर पीटा गया। गंभीर हालात में जब उसे मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाया गया तो देर रात उसकी मौत हो गई। रेत माफियाओं ने किया एक व्यक्ति पर हमला, गंभीर रूप से हुआ घायल। उत्तर बंगाल में अवैध रूप से नदियों से बालू पत्थर निकालने का काम जारी है। रेत माफियाओं द्वारा व्यापक स्तर पर इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। अवैध रूप से सभी नदियों से बालू पत्थर निकाला जा रहा है। इसी कड़ी में सिलीगुड़ी महकमा परिषद अंतर्गत जलासनी जामतौला इलाके के हाथीराम गाँव में मारी नदी से अवैध रूप से रेत निकाला जा रहा है। इस दौरान एक व्यक्ति ने इसका विरोध किया, तब रेत माफियाओं ने इस व्यक्ति को जमकर पिटाई कर दी, जिससे यह व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में स्थानीय लोग इसको लेकर अस्पताल पहुंचे। वर्तमान में इनका इलाज उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इसको लेकर फांसीदेवा इलाके में व्यापक उत्तेजना देखने को मिल रही है। पूर्व पंचायत सदस्य के घर के सामने ताजा बम बरामद, पूर्व पंचायत सदस्य के घर के सामने से ताजा बम बरामद किया गया। नकटी गांव ग्राम पंचायत के पूर्व तृणमूल पंचायत सदस्य निजामुद्दीन मंडल के घर के सामने से एक ताजा बम बरामद किया गया है। ताजा बम बरामद होने की घटना नकटी गांव ग्राम पंचायत के ददियाल इलाके में सनसनी फैल गई है। तृणमूल का आरोप है कि इलाके में डर फैलाने के लिए बीजेपी के उपद्रवियों ने ऐसा किया है। बीजेपी ने आरोपों से इनकार किया है। ब्रह्मा कुमारी की फिल्म द लाइट देखने के लिए उमड़ी भीड़, जलपाईगुड़ी शहर के एक सिनेमा हॉल में रविवार को ब्रह्मा कुमारी की ओर से दिखाई जाने वाली एक फिल्म द लाइट देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जलपाईगुड़ी ब्रह्मा कुमारी केंद्र द्वारा आध्यात्मिक फिल्म द लाइट दिखाई जा रही है। जलपाईगुड़ी जिले के विभिन्न हिस्सों से आए ब्रह्मा कुमारी केंद्र के लगभग 600 भाई बहनों ने रविवार को छुट्टी पर द लाइट का आनंद लिया। फिल्मों में जीवन के स्वस्थ और सुंदर कैसे बनाया जाए, इसका संदेश दिया गया। सियालदा स्टेशन पर यात्रियों ने मचाया बवाल, जमकर की तोड़फोड़, आरपीएफ ने की लाठीचार्ज। सियालदा में सेक्शन पर 12 कोच वाली ईएमयू ट्रेनों को चलाने के लिए कुछ ढांचागत बदलावों के लिए पिछले शुक्रवार से सियालदा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 5 नंबर तक को रविवार दोपहर 2 बजे तक बंद करने का निर्णय लिया गया था। हालांकि कल से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 5 नंबर पर परिसेवा शुरू हुई, लेकिन काफी संख्या में ट्रेनें नहीं चल पाने के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सियालदा मेन और उत्तर शाखा के यात्रियों को 3 दिनों से परेशानी हो रही है। शुक्रवार, शनिवार और रविवार को यात्रियों की परेशानी कम नहीं हुई। जैसे जैसे समय बीता गया सेवा बदतर होती रही। दिन भर में कई ट्रेनें रद्द कर दी गई। जो ट्रेनें चल रही थी वे किसी शेड्यूल का पालन नहीं कर पा रही थी, इससे यात्रियों में आक्रोश बढ़ गया है। काफी इंतजार के बाद भी ट्रेन नहीं मिलने पर यात्रियों ने रेलवे पूछताछ कार्यालय ऑफिस का शीशा तोड़ दिया। इस दौरान रेलकर्मी घायल हो गए। सियालदा स्टेशन पर भारी हंगामा शुरू हो गया। यात्रियों ने विरोध को संभालने के लिए आरपीएफ ने जमकर लाठीचार्ज किया। पूरे स्टेशन पर उत्तेजना का माहौल बना हुआ है।
पल पल की खबरों के लिए देखते रहिए जयगांव मिरर्स, सच्चाई का आईना।